भाजपा सरकार के नेता ने ही सरकार पर बड़े आरोप लगाए हैं। भाजपा नेता गोकुल सेतिया का कहना है कि भाजपा सरकार ने सिरसा के साथ भेदभाव किया है और कोई विकास कार्य नहीं करवाए हैं। वहीं गोकुल सेतिया का कहना है कि इस बारे में हरियाणा के मुख्यमंत्री को कई बार मिलकर इस बारे में बात की, लेकिन फिर भी ना तो मुख्यमंत्री का और ना ही प्रशासनिक अधिकारियों का सिरसा में विकास कार्य की ओर ध्यान है। इसी को लेकर वह आने वाली 24 फरवरी को सिरसा में एक हुंकार रैली करने जा रहे हैं, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री सहित भाजपा के अन्य मंत्रियों को न्योता दिया है ताकि वह सिरसा में आए और लोगों की आवाज़ सुने। वहीं उनका कहना है कि अगर मुख्यमंत्री उनकी रैली में नहीं आए तो वह आगे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं। गोकुल सेतिया का कहना है कि अब आगे चुनाव आने वाले हैं और आचार संहिता लागू कर दी जाएगी, तो उससे पहले सरकार के मुखिया एक बार सिरसा आए और खुद देखें क्या हालात है सिरसा के। उनकी मांग है कि एम्स जैसे हॉस्पिटल सिरसा में खोले जाए, नहरों के पानी किसानों को मिले, ठेर वासियों को जगह दी जाए। कार रैली रख रखी है जी 24 फरवरी को भगत सिंह चौक पे, सुबह 11 बजे का टाइम है। तो उसके अंदर जो भी हमारी पुरानी डिमांड्स थी, जैसे कि एक एम्स के स्तर पर यहाँ पर कोई सिरसा के अंदर हॉस्पिटल आए, जो नहरों का हमारा मुद्दा था जिसके अंदर की धिंगतानिया माइनर, भंबूर माइनर, न्यू मोची वाली माइनर और रंगोई का पानी, उसका काम अभी तक शुरू नहीं हुआ, आचार संहिता लगने वाली है। उसके साथ बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे थेड़ का, तो थेड़ का मुद्दा है वो भी अभी पेंडिंग पड़ा है, जिस करके के 15 से 20 हज़ार घर कहीं उजड़ ना जाएं, इस चीज़ का बहुत बड़ा डर हमारे सबके सिर पे मंडरा रहा है। और उसके साथ साथ जो हमारी ही सरकार के अंदर कुछ तानाशाह प्रशासन के लोग जो रेड़ी वालों पर डंडे बरसाते हैं, एक तो उनको कोई ना कोई सरकार कोई जगह मुहैया कराए, और जो धक्का बस्तियाँ हैं उन धक्का बस्तियों के अंदर जो वहाँ के लोग हैं उनकी पक्की रजिस्ट्रियाँ सरकार करा के दे, ताकि वो अपने प्लाट के मालिक बन सकें। इन मुद्दों को लेकर हमने हुंकार रैली 24 फरवरी को सुबह 11 बजे भगत सिंह चौक के अंदर रखी है, और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से भी मैंने आग्रह किया है कि वो वहाँ पर आएँ। वहाँ पर आकर अगर इन सारी चीज़ों को ये जल्द से जल्द मुख्यमंत्री महोदय स्टार्ट कराते हैं, तो हमारा जो सिरसा है वो 10-15 साल आगे पहुंचेगा इस चीज से। सिरसा में काम नहीं हो पा रहे, घोषणाएं काफी हो चुकी, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं आप? भाजपा के अंतर्कलह है या कोई और वजह? देखिए, कुछ तो मैं ये समझता हूँ कि प्रशासन जो है, प्रशासन सरकार को लाइटली ले रहा है, और कुछ जो बड़े बड़े औहदों पे आसीन हैं भाजपा के कुछ नेता हमारे सिरसा के, वो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते, वो लोग केवल अपना पर्सनल काम कराने तक सीमित है, उनको सिरसा के लोगों की दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। तो बस इन्हीं चीज़ों करके आज हमारा सिरसा पिछड़ा पड़ा है। सीएम साहब को आपने न्योता दिया, क्या उन्होंने हामी भरी है रैली में आने के लिए? उन्होंने कहा है मैं सोचूंगा, मैं जितने भी भाजपा के और लोग हैं उनके साथ मैं डिस्कशन करूंगा, लेकिन मैं इस बात को जायज़ समझता हूं, लेकिन मेरी भी एक मजबूरी आचार संहिता लगने वाली है। जिन कामों के पीछे मैं पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहा हूं, अगर वो आचार संहिता से पहले ना हुए तो वो केवल घोषणाएं बन के रह जाएंगी, उन कामों का कुछ नहीं बनने वाला। तो गोकुल सेतिया की रैली भाजपा की रैली होगी या अलग झंडा अलग कुछ इस तरह से कोई पार्टी का क्या मैटर होगा? वैसे तो देखिए, आज मैं सदस्य हूँ भाजपा का, तो ऑब्वियस है कि ये भाजपा की ही रैली है, लेकिन बात यह है कि अब भाजपा वाले गोकुल सेतिया को अपना समझ के वहाँ पर आते हैं या नहीं आते हैं। वही आपको बता दें कि सिरसा में भाजपा पार्टी कई गुटों में बटी हुई है, जिसका खामियाजा सिरसा की जनता पिछले 4 वर्षों से झेल रही है। न विकास कार्य हुए हैं और न ही सरकार का इस ओर कोई ध्यान है। न्यू न्यूज़ फॉर यू के लिए सिरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह की रिपोर्ट।